साड़ियों का कैसे रखे ध्यान, कपड़ों के हैवी वर्क से लेकर कपड़ों की चमक को कैसे रखे बरकरार, आज आपको आपके फेवरेट सेट्स के ड्रेस दादा देंगे कुछ टिप्स जिससे आपको अपने कपड़े को नए जैसा बनाए रखने में मदद मिलेगी। सबसे पहले चलते हैं जमाई राजा के रोशनी के पास, जो एक अनोखी टिप दे रही है और साथ ही साथ उनके ड्रेस दादा ने भी ढेर सारी मजेदार टिप्स दी। मैं अपने कपड़ों को गंदा ही नहीं करती। द बेस्ट वे टू प्रिजर्व योर क्लोथ्स, नेवर स्टेन देम। कभी उनको पहन के खाना मत खाओ। हमेशा शूटिंग के कपड़े पहन के खाना खाओ तो कि सारा गंदा जो भी गिरेगा, खाना गिरेगा या फिर कुछ भी, तो वो आपके शूटिंग वाले कपड़ों पर गिरेगा। मैं अपने पर्सनल कपड़े ऐसे रखती हूँ जैसे लाइक माई बेबी। उसमें ज्यादा कभी मेकअप का निशान लगता है तो लगता है वाइल्ड रिमूविंग क्लोथ्स, तो यहाँ से आ जाता है। अदरवाइज माई क्लोथ्स आर नेवर स्टेन्ड, सो बेस्ट वे टू प्रिजर्व योर क्लोथ्स, नेवर स्टेन देम। मैं वैशाली जमाई राजा के सेट से एज अ स्टाइलिश हूँ। अगर आपके पास सिल्क की साड़ी है और अगर आप चाहते हो कि वो खराब ना हो, तो मैं उसका एक तरीका आपको बताती हूँ। तो आपके पास एक कॉटन की साड़ी आपको लेनी है और एक सिल्क की साड़ी है। जो जरी का आपके पास बॉर्डर रहेगा, ये इसके साथ पूरा कम्प्लीटली ये करना है आपको, रोल करते रहना है। जैसे आपकी साड़ी रोल रहेगी तो उसको फोल्ड नहीं पड़ेगा और वो साड़ी ज़्यादा दिन तक आपके पास सेफ रहेगी। जैसे आपकी बहुत सासू माँ की या मम्मी की साड़ी रहेगी तो वो अच्छे से रख सकते हैं कितने भी दिन। सपोज अगर आपका सिल्क साड़ी है और महंगी होती है, सपोज इसमें कुछ दाग लगी, ऑयल गिर गया, अगर इसमें ऑयल अगर गिर जाती है तो हम इसमें टेलकम पाउडर से डालने के बाद इसे ऑयल सूख जाती है और ये दाग बढ़ने नहीं देता, तो फिर इसको हम धोने से इजी से ये निकल जाती है। ज़्यादा ड्रैक्लीन से साड़ियाँ का जो कलर होता है फेड हो जाता है और उसमें हल्का हल्का फटने लगता है साड़ियाँ। आप घर पे लेके शैम्पू है ना, आराम से धोइए हल्का हल्का हाथों से और उसको फैला दीजिए तो साड़ी लंबा समय तक चलता है और अच्छा से रहता है। आप जमाई राजा के सेट के बाद हम पहुँचे स्वरागिनी के स्वरा के पास, जिन्होंने अपना राज बताया कि वो अपने महंगे कपड़ों को कैसे संभालती है। शादी सीजन चल रहा है, हम लोग इतने महंगे महंगे इतने हैवी कपड़े पहनते हैं, मतलब इतना सारा वर्क रहता है इन कपड़ों में एंड रोज तो पहनते नहीं है। सो आई थिंक इट्स वेरी मच नेसेसरी कि हम इतने महंगे कपड़े लेते हैं तो उसको अच्छे से प्रिजर्व करना, मतलब उसको अच्छे से घड़ी करके रखना, कैसे उसको अच्छे से संभाल के रखे ताकि उसके वर्क की वजह से कुछ और ख़राब ना हो जाए या हमारा कपड़ा ख़राब ना हो जाए। मेरी मम्मी कहती है कि जो वर्क रहता है ना, मतलब एक वर्क दूसरे वर्क के ऊपर आता है ना, मतलब यहाँ पर आ गया तो कभी कभी ख़राब हो सकता है ये कपड़ा, ये नेट इतनी डेलिकेट होती है तो ये फट सकती है, ये ख़राब हो सकता है। सो इट्स ऑलवेज मतलब गुड इन बॉर्डर्स पर ऐसे पेपर वेपर लगा दो, उसके बाद आप उसको अच्छे से घड़ी करके रखो ताकि इस बॉर्डर के वर्क की वजह से आपका जो कपड़ा है वो ख़राब ना हो। और अगर सपोज कहीं पर कुछ छोटा सा दाग लग गया तो उस पे उसको अगर साफ करना है पूरा तो हम वॉश नहीं कर सकते हैं। उनको मैं हल्का नींबू से हल्का कुछ लगा, नींबू से कुछ केमिकल लगा करके उनको दाग को छुड़ा करके साफ करते हैं। दिस इज समथिंग वेरी न्यू आई गॉट टू नो। आपको अगर कोई दाग निकालना है तो आप नींबू का रस उस पे डालो, बस उसे तो उसे निकल जाता है, निकल जाता है। तो ये तो कमाल है, मतलब आपको आपका पूरा कपड़ा धोने की भी जरूरत नहीं है और वो जो दाग होगा वो भी निकल जाएगा और आपका कपड़ा वैसा का वैसा रहेगा। हैवी कपड़ों का ड्राई क्लीन तो इतना अच्छे से नहीं होता है, पेट्रोल वॉश ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। आप लॉन्ड्री वालों को कहिए कि मुझे इसका पेट्रोल वॉश करवाना है। सो पेट्रोल वॉश कैसे होता है दादा, मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट पेट्रोल वॉश बहुत इसको डालते हैं ना लॉन्ड्री में, फिर पेट्रोल वॉश को बोलते हैं, पेट्रोल वॉश को करने के लिए ब्रश यूज हो जाते हैं। फोल्ड करके
न्यूज रिपोर्ट।